हेलो दोस्तों, ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का दूसरा पार्ट है। ओके, क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो आप सभी को पता है, मुंडकोपनिषद से है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? तो आप सभी को पता है, राष्ट्रगीत से शुरू होती है, जो कि वंदे मातरम है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो आप सभी को पता है, शीर्ष भाग। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? कौन सा नहीं, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरण। हिरण जो है राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं दर्शाया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो सभी को पता है, तीन। ओके, उन्नीसवां क्वेश्चन हो जाता है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ लिया गया है, इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो सभी को पता है, चार हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो आपका है शक संवत। शक संवत हमारे भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्राप्त है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है, तो इसका होता है आपका चैत्र होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है, तो होता है आपका फागुन। भारत का राष्ट्रीय पशु सबको पता है क्या है? बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मयूर है, मतलब मोर है। पावक। मध्य प्रदेश राज्य के किस किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं आपके मुरैना में, मध्य प्रदेश की मुरैना में सबसे ज्यादा आपके मिलते हैं राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में। ओके,